शरीर की सार्थकता ये सेवा में ही है। ये जो वैष्णव होकर के शरणागत होकर सेवा से बचते रहते वो देहाभिमानी है, वो अभी समझ नहीं पा रहे कि शरीर की सार्थकता किस में है। शरीर की सार्थकता खा पी करके इसे खूब मोटा कर लेना ये नहीं है। ध्यान रखना ये व्याधि मंदिर है, जैसे मंदिर में देवता विराजमान होते हैं ना, ऐसे इसमें व्याधि विराजमान है। ये व्याधियों से युक्त है, शरीरम व्याधि मंदिरम। ये एक न एक दिन आपको बहुत दुख देगा, यहां तक कि मृत्यु रूपी भयानक दुख देगा। इसको ज्यादा सजाओ मत, इसको ज्यादा दुलार मत करो, बस उतना ही इसे दुलार करो जिससे ये स्वस्थ बना रहे। और भगवत सेवा और भागवत सेवा, चराचर जगत को भगवत भाव से, आप किसी की भी सेवा, कुत्ते की भी सेवा भगवत भाव से, निष्काम भाव से, तो भगवान को ही पहुंचती है सेवा, क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर हमारे गोविंद विराजमान है। शरीर की सार्थकता किसमें? प्रभु और प्रभु के जनों की सेवा में। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के जनों की सेवा है। कुछ ऐसा स्वाद है भगवत प्रेमी महापुरुषों की सेवा में कि उस स्वाद को लेने के लिए सबके सेव्य ठाकुर स्वयं सेवक बन जाते हैं। आप देखो कहीं शिखंडिया रूप से एकनाथ जी की सेवा में, कहीं अंतर्यामी नामधारी त्रिलोचन जी की सेवा में, कई जगह और बहुत सी ऐसी भक्तों के चरित्र आए जहां अखिल लोक चूड़ामणि सबके स्वामी सेवक बने दिखाई दिए, कहीं गुप्त रूप से कहीं प्रकाशित हो गए। नहीं तो अपने भक्तों की सेवा सुख का स्वाद लेने के लिए चराचर जगत के स्वामी सेवक बन जाते हैं। पग चापू, सेज बिछाओ, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनू गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अगर शरीर से वैष्णव सेवा का अवसर कहीं मिल रहा हो तो ठाकुर सेवा रोक देना। ध्रुवदास जी ने 42 लीला जी में भी वर्णन किया है कि यदि आप श्री जी की सेवा में हो और कोई महाभागवत पधारा है तो श्री जी की सेवा को विश्राम दे दो। जिस स्थिति में हो पहले उस महाभागवत की अर्चना करो, और वो स्वयं भगवत प्रेमी है इसलिए वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुद आदेश कर देंगे कि आप पहले श्री जी की सेवा करो। लेकिन आपका कर्तव्य है कि श्री जी की सेवा उसी स्थिति में विश्राम कर दो। ऐसा नहीं कि अभी आधी पत्रावली हुई तो पूरी कर दे, वैसे ही चंदन और श्री जी सब विराजमान कर दिए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनकी अगवानी की, उनका आदर किया। अगर ऐसा किया तो बोले जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा वो भक्त, आप माया को परास्त कर देंगे यदि आपने ऐसी वैष्णवों के प्रति, महाभागवतों के प्रति ऐसी भावना बना ली। पूर्व के वैष्णव जनों का दर्शन किया, उनके आचरणों का, वयोवृद्ध है, सामने से देखा चार भगत नाम कीर्तन करते हुए तुलसी जी माथे पे विराजमान किए हुए जा रहे हैं। तत्काल वो सावधान हुए, पीछे हटे और उनको पंचांग साष्टांग प्रणाम किया। तब तक ग्रीवा झुकाए खड़े रहे जब तक वो तुलसी जी को लेकर कीर्तन करते हुए आगे नहीं निकल गए। कोई भागवत विराजमान किए हुए, कोई अपने ठाकुर का सिंहासन उस पे ठाकुर जी विराजमान है, कोई भी इस तरह से नाम कीर्तन करते हुए चाव उत्साह के साथ भगवत यात्रा जा रही है, तो कर्तव्य है इस शरीर को उस समय दासत्व भाव से युक्त करो। अगर आपका पुरुष शरीर तो साष्टांग लौट जाओ, नहीं तो पंचांग प्रणाम करो और सर झुकाए तब तक खड़े रहो जब तक हमारे स्वामी की वो सवारी और उनके पार्षद निकल न जाए। कहां वैष्णवता रह रही है, कहां? और अब गर्व में छाती तान लेते हैं, हम तुमसे ज्यादा अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, या हम तुमसे कम थोड़ी वैष्णव है। अरे एक भागवत या ठाकुर गोपाल जी या प्रिया प्रीतम माथे पे रखे तो हमारे भी घर में विराज,
है, ये वैष्णवता नहीं है। कोई वैष्णव जा रहा है भजन करते हुए और चोरी चोरी उसकी चरण रज लेके माथे पे लगा के हृदय पे लगा के, वो हमने देखा है वैष्णव पुलकित होते हैं चोरी चोरी, इसलिए कि यदि उसके सामने लगाएंगे तो दैन्य मूर्ति वैष्णव के हृदय में कहीं उसको संकोच ना हो जाए, इसलिए पीछे से चल। ये है इस शरीर की सार्थकता, यह है कि अगर कहीं किसी वैष्णव की सेवा का अवसर मिले तो ठाकुर सेवा दूसरे नंबर पे करे, पहले नंबर पर वैष्णव सेवा, पहले नंबर पर साधु सेवा। एक दिन किसी भक्त ने सुनाया था कि वो भगवान से पूछा, अपने घर के ठाकुर जो विराजमान थे वो उनसे बात करते थे, पूछा कि आपकी प्रसन्नता किस में है प्रभु, तो उनका हमारे प्रेमी जनों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, इससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। लग गए ठाकुर सेवा में, और जो भी संत जन आते उनको ठाकुर सेवा से भी अधिक सेवा करके सुख पहुंचाते। धीरे धीरे अर्थ की व्यवस्था घटी, संत जन आए किसी तरह प्रसाद पाके गए, तो ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आपकी कृपा से संत सेवा चल रही है, अब आगे जो कल सेवा की भावना अगर संत और आ गए तो आप समझ लीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा क्या समझ लीजिए, बोले वो आपको बेच देंगे। मतलब हम पहले से आपको बता रहे हैं कि हमारे घर से साधु भूखा ले जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ और कल कुछ नहीं हुआ तो प्रिया प्रीतम दोनों को हम दुकान पहुंचा देंगे और फिर जो भेंट मिलेगी वो अब, क्योंकि आपने कहा है कि आपके प्रेमी जनों की सेवा से आपको सुख मिलता है, तो ये बात हम पूर्ण करने के लिए आपको भी बेच देंगे। ऐसा भाव और ऐसा प्रायः महापुरुषों में देखा गया है। आप भक्तमाल उठाइए, एक से एक ऐसे वैष्णव श्रेवी जिन्होंने तन मन प्राण धन सब न्योछावर कर दिया तो ठाकुर उनके अधीन हो गए। ये प्रभु को अधीन करने का उपाय वृत्तासुर को अंतिम समय स्फुरित हुआ और वो प्रभु से कह रहे हैं अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके किसी दासों का दास बन जाऊं और मेरा तन सदैव आप और आपके दासों की सेवा में रहे, मेरा मन आपके स्मरण में रहे, मेरी वाणी सदैव आपके गुणों का आपके नाम का कीर्तन करे।